Assalamualaikum and hello everyone, कैसे हैं आप लोग? मेरी YouTube फैमिली कैसी है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ अल्लाह से कि आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं काफ़ी सारा सामान लेके आई थी, अपना देसी सामान, और मैं आपको पूरा बताऊँगी कि मैं कहाँ गई थी। मैं गई थी एक्चुअली काफ़ी अरसे के बाद फ्रैंकफर्ट। और ये जो आप सुपरमार्केट का देख रहे हैं बाहर से व्यू, ये है एक होलसेल बांग्लादेश सुपरमार्केट। तो नॉर्मली हम अपनी ग्रोसरी के लिए जो देसी सामान होता है उसके लिए इधर ही जाते हैं। तो इस दफ़ा मैं गई तो मैंने देखा कि लोग ज़रा कम थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे इस तरह के स्टोर्स कैसे होते हैं, जहाँ पे हमारा इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सामान और हमारे स्पाइसेस, हमारी चीज़ें, दालें और चावल, आटा, ये सब चीज़ें कैसे रखी होती हैं और कहाँ पर मिलती हैं। तो मेरा बहुत जल्दी जल्दी तो जाना नहीं होता है, क्योंकि मैं इतना ले आती हूँ कि मेरे आराम से 3-4 महीने, बाज़ दफ़ा 5 महीने गुजर जाते हैं। तो मैं काफ़ी कम जाती हूँ इन जगहों पे, और दूर भी इतना है कि हर वक्त जल्दी जल्दी जाया नहीं जा सकता। तो इस दफ़ा मैं गई क्योंकि सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया है हमारे जर्मनी के हालात फिर से, बल्कि जर्मनी के ही क्या, पूरी दुनिया ही के हालात बहुत ख़राब हैं। हमारी तरफ सख्त लॉकडाउन है, और रेस्टोरेंट्स वगैरह तो पहले ही बंद थे, मॉल्स भी बंद कर दिए हैं, और बहुत सारी सिटीज़ में, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जहाँ पर जो रेड जोन एरिया है, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये फैल गया है, तो वहाँ पर उन्होंने रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए पाबंदी लगा दी है कि घरों से नहीं निकलना है, और अगर कोई निकलेगा तो फिर उस पर फाइन चार्ज किया जाएगा। तो इस किस्म की सिचुएशन, सूरत हाल पहले हमारी तरफ नहीं थी, मगर अब हो गई है। तो यहाँ पर चीज़ें रखी हुई थी, राइस के बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, आटे की भी बहुत वैरायटी थी, दालें बहुत अच्छी थी, और इनका सामान बहुत अच्छा होता है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि एक तो इनका स्टाफ भी बहुत ही हेल्पफुल है, और कोई चीज़ ना मिले तो वो ढूंढ ढांड के अपने गोडाउन से भी निकाल के ला देते हैं। दूसरा ये कि हमेशा ये होता है कि सामान मिल ही जाता है, और इनके पास वेजिटेबल्स वगैरह भी बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं जब जाती हूँ तो बहुत अच्छी मुझे बहुत अच्छा लगता है इनकी तरफ से वेजिटेबल्स वगैरह लेके आना। तो इस तरह से इनका ये सामान रखा हुआ है, और इनके रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं तो काफ़ी अरसे से, सालों से इनके पास ही जाती हूँ। तो बस ये था, और बहुत दिनों बाद आप लोगों से बातचीत हो रही है, क्योंकि बीच में जो मेरे व्लॉग्स आए थे उनमें जो थे वो मेरे हस्बैंड ने मतलब कुछ बातें की थी आप लोगों के साथ। तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ थोड़ी गपशप लगाऊं, और मिठाई का पोर्शन जो था वो खाली हो चुका था, और मैं तो बहुत ही शौकीन हूँ मिठाई की, मगर मैंने नहीं ली, क्योंकि मतलब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों नहीं ली। तो बहरहाल दिल तो बहुत चाहता है कि मीठा खाएं, मगर मीठा हमको जो है वो इतना फ़ायदा नहीं करता है। और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हुई थी। एक चीज़ जो मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर, और इस दफ़ा मैंने ली, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, और वो थी कच्ची हल्दी। यहाँ पर कच्ची हल्दी रखी हुई थी, और मुझे समझ नहीं आई पहले कि ये हल्दी है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कच्ची हल्दी है, बहुत लोग लेते हैं, तो आप भी कभी इस्तेमाल करें ले। तो फिर मैंने भी थोड़ी सी उठा ली, और वो मैंने अपनी अम्मी के लिए ली थी, क्योंकि मेरी अम्मी की बॉडी में काफ़ी पेन रहता है, जोड़ों का दर्द, ये वो। तो मैंने अक्सर सुना है कि हल्दी वाला दूध पीना चाहिए उसमें। तो मैंने जब कच्ची हल्दी देखी तो मैंने फटाफट उठाई, मैंने कहा भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिल गई, और मैं इसको ले कर जाऊँगी अम्मी के लिए, और उनको मैं फिर दूध में मिला कर पिलाऊँगी। तो ये हमारी शॉपिंग थी, और ये सारा सामान अब घर आ गया है। काफ़ी बिजी दिन था इस दिन, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने टाइटल में तो लिखा है कि जब मुझे उनकी दूसरी शादी का, यानी सेकंड मैरिज का पता चला तो मैं शॉक्ड हो गई। तो वाकई मैं शॉक्ड हो गई, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मुझे पता चला, कैसे पता चला, और मैं क्यों इतनी हैरान और परेशान हो गई। तो बस अभी यहाँ मैं अपना सामान, अभी तो मैंने ला के ऊपर ऐसे ही रख दिया था, और उसके बाद फिर इसको कबर्ड्स में जो है वो, और कुछ किचन में जाता है, कुछ एक कबर्ड है हमारी जो स्टोर बनी रहती है, उसमें काफ़ी सारा सामान चला जाता है। तो ये मैं उसमें रखूँगी। इनके पास की निम्को भी बहुत अच्छी होती है, और सबसे अच्छी बात इस निम्को में ये होती है कि मिर्चें ज़्यादा नहीं होती है तो बंदा आराम से खा सकता है।
तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे हैं मेरा अच्छा खासा सामान जो है वो आ गया है और मुझे अब आराम से 3-4 महीने बल्कि हो सकते, बहुत सारी चीज़ें तो बड़ा लंबा चल जाती हैं कि मेरी छुट्टी हो गई है। मैंने शान के हलीम के पैकेट भी ले लिए हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले लिया है और चाय की पत्ती भी ये वाली ले ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा सामान आ गया है, दिल को सुकून हो जाता है जब सामान आ जाता है। और तो बस ये अब मैं यहाँ पर इनको सेट करके रखूँगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि स्पेशली जो लोग जर्मनी में या बाहर के मुल्कों में रहते हैं कि उनको इस तरह की ग्रॉसरी के लिए कितना दूर जाना पड़ता है। तो मैं वैसे तो फ्रैंकफर्ट चली जाती हूँ मगर हमारे घर के नज़दीक भी मिल जाती हैं इस तरह की चीज़ें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि किसकी शादी की न्यूज़ मैं देने वाली हूँ। तो भाई मैं शादी की न्यूज़ देने वाली हूँ आप लोगों को, मैं अभी बताती हूँ कि मैं किस तरह शॉक्ड हुई। अच्छा पहले ये देख लें, ये हल्दी है कच्ची, ये कच्ची हल्दी है जो मैं लेके आई हूँ, बिल्कुल अदरक की तरह की। तो जनाब कुछ अरसा पहले एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, मैं उनका कोई भी जो आता है व्लॉग मिस नहीं करती हूँ, देखती हूँ, मगर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि उनकी दूसरी शादी हो गई है और उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो ये मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन बात थी और अभी कुछ हफ्तों पहले, बल्कि कुछ महीना डेढ़ महीना पुरानी बात होगी जब मेरी बेटी ने बताया और मुझे उस उनका व्लॉग भी निकाल कर दिखाया। तो भाई कौन है वो यूट्यूबर, आप लोग भी देख लीजिए, मेरे तो फेवरेट हैं, आपके भी होंगे। जी हाँ, रहीम परदेसी नसरीन, तो मुझे तो बहुत ही पसंद है और मैं इनके व्लॉग्स बहुत शौक से देखती हूँ। और ये इनकी पहली वाइफ हैं सुमेरा, बहुत ही ग्रेसफुल लेडी हैं और ये इनके 3 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और अब इन्होंने दूसरी शादी की है जिसका मुझे नहीं पता था और मैं तो शॉक्ड हो गई, मैं तो हैरान हो गई कि क्या वाकई रहीम परदेसी ने दूसरी शादी कर ली। तो हाँ भाई, ये और ये अब बहुत ही ब्यूटीफुल सी उनकी सेकंड वाइफ है सोनिया। तो इनके साथ जब व्लॉग आए तो मैंने तो नहीं देखे थे मगर मेरी बेटी ने मुझे दिखाए, तो भाई मैं तो बहुत हैरान हुई। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपनी दोनों बीवियों के साथ बहुत खुशपाश रखे। तो ये थी वो न्यूज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी, शेयर करना चाह रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ कि जब मैं हल्दी लेके आई थी तो हमने सोचा कि चलो हम भी जनाब, हम तीनों घर वाले जो हैं, बेटी, मैं और हस्बैंड, दूध का हल्दी वाला दूध पीते हैं। तो यहाँ मैंने वो हल्दी को क्रश करके ये एक बड़े से स्पून में रख लिया है, निकाल लिया था। फिर ये मैंने अदरक के थोड़े से टुकड़े रख लिए थे और ये साथ में मैंने रख ली थी दालचीनी, 2 लौंगे ले ली थी मैंने और ये हरी इलायची का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च। तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर ये कहते हैं कि दूध आप पी लें तो ओए होए मज़े आ जाएं, यानी कि बहुत ही अच्छा होता है बॉडी के लिए। और हल्दी के तो इतने फ़ायदे हैं कि मुझे तो जब पता चला तो मैं भी खुद हैरान हुई और मैंने सोचा कि हमको इसको अपने इस्तेमाल में रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डाला है तकरीबन 1 गिलास, छोटा 1 गिलास पानी और 3 कप मैंने इसमें मिल्क लिया है। साथ में फिर मैंने जो हल्दी क्रश करके रखी थी वो और बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और बस इसको जो है अच्छी तरह पकाना है। इतना हमने पकाना है कि जो पानी हमने डाला था वो तकरीबन ख़त्म हो जाए और दूध रह जाए, यानी कि अच्छी तरह इसको बॉयल करना है। हल्की आँच पर अगर हम करेंगे तो ये सारी चीज़ों का खूब सारा जूस इसमें शामिल हो जाएगा और ये बहुत ही हेल्दी सा एक हमारे लिए एक टॉनिक सा बन जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं अम्मी को तो खैर पिलाऊंगी जब उनकी तरफ जाऊंगी, पहले मैं खुद पी के देखती हूँ कि कैसा है, कैसा लगता है, क्योंकि मैं हल्दी वाला दूध कभी कभी बनाती हूँ मगर वो होता है पाउडर हल्दी का, तो ये वाला बन रहा था फ्रेश हल्दी का। बहरहाल काफ़ी ज़बरदस्त बना और इसके जो बेनिफिट्स हैं उससे तो खैर कोई इनकार नहीं कर सकता। आप लोग भी कभी अपने घरों में ज़रूर ट्राई करें और जब ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मेरा ज़बरदस्त सा हल्दी का दूध तैयार है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह अपने किसी नए व्लॉग में मिलूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।